बेंगलुरु एम चिमना स्वामी स्टेडियम में आज यानी 2 अप्रैल को मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच खेलना जाएगा। इस मैच में रनों की बारिश होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस मैदान पर आईपीएल मैच में अक्सर रन बनते दिखाई दिए हैं और कई मैच हाई स्कोरिंग भी यहां हुए हैं। ऐसे में जान लीजिए बेंगलुरु की पिच पर कितने रन बनाए जा सकते हैं और कितने को फायदा मिलेगा। आंकड़ों की माने तो बेंगलुरु में T20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 170 है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि यहां रनों का अंबार लग सकता है। आईपीएल 2024 के 2 मैच यहां खेले जा चुके हैं और दोनों मैचों में पहली पारी का स्कोर 170 के पार रहा है। ऐसे में अगर आज बेंगलुरु और लखनऊ के बीच खेले जाने वाले मैचों में 200 रन की पहली पारी बने तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि मैदान की बाउंड्री भी ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको बता दें बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में तेज गेंदबाज हावी रहे हैं। T20 मैच में 68% से ज्यादा विकेट इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को मिलते हैं, जबकि 32% के करीब विकेट स्पिनरों को मिलते हैं। ऐसे में दोनों ही टीमें चाहेंगी तो तेज गेंदबाजों के साथ कॉम्बिनेशन रखा जाएगा। आरसीबी के पास मोहम्मद सिराज और अल्जारिस जोसेफ जैसे गेंदबाज हैं, जब लखनऊ सुपर जायंट्स के पास युवा सेंसेशन मयंक यादव और नवीन उल हक हैं। वहीं बेंगलुरु के आईपीएल 2024 में इस मैच के दौरान गर्म मौसम रहेगा। मैच जब शुरू होगा तो उस समय तापमान 34 डिग्री के आसपास होगा, लेकिन जैसे जैसे मैच खेला जाएगा वैसे वैसे पारा गिरता जाएगा। हालांकि ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, बारिश की संभावना ना के बराबर होगी, तो फिर पूरा मैच देखने को मिलेगा। हालांकि खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक को गर्मी से परेशान होते नजर आ सकते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।